दोस्तों कि आपने बोया माइक तो परचेस कर लिया, लेकिन दोस्तों आपका मोबाइल में सपोर्ट नहीं कर रहा है। दोस्तों ये प्रॉब्लम खास करके ज़्यादा रेडमी के फ़ोन में होता है। अगर रेडमी का फ़ोन है आपका तो पक्का आपके मोबाइल में जो कि बोया माइक सपोर्ट नहीं करेगा, लेकिन दोस्तों अदर ब्रांड का फ़ोन में भी जो कि बहुत से मोबाइल में जो कि बोया माइक सपोर्ट नहीं करता है। तो दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा जो कि आप अपने मोबाइल में बोया माइक को कैसे सपोर्ट करा सकते हैं, या फिर जेनरिक का माइक है, कोई भी माइक हो, कोई भी एक्सटर्नल माइक है, तो उस माइक को कैसे यूज कर सकते हैं अपने मोबाइल में। अपने मोबाइल का कैमरा से वीडियो को अगर आप रिकॉर्ड करते हैं तो आपका एक्सटर्नल माइक अगर सपोर्ट नहीं करता है तो आप उसको सपोर्ट करा सकते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं जो कि मैं भी जो माइक को यूज कर रहा हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरा ये बोया एमोन माइक है, और पहले मैं जेनरिक माइक भी यूज करता था। दोनों माइक मैं यहाँ पर सपोर्ट कर अपने मोबाइल में यहाँ पर कराता था। दोस्तों ऐसे सपोर्ट नहीं करता, लेकिन दोस्तों आपको कुछ सेटिंग करना पड़ता है। तो दोस्तों आपको इसके लिए क्या करना है, आपको मोबाइल में कौन सा सेटिंग करना है, चलिए इस वीडियो को पूरी डिटेल में आपको बताने वाला हूं। दोस्तों अगर इससे पहले मेरे चैनल पर दोस्तों अगर नए हो तो प्लीज़ सर चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना अगर चैनल पर नए हो तो। दोस्तों आपको कैसे करना है, चलिए इस वीडियो को पूरी आपको प्रोसेस बताने वाला हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बताता हूँ कि आप बोया माइक को अगर यूज करना चाहते हैं अपने मोबाइल में, या फिर कोई भी एक्सटर्नल माइक को यूज करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले बताता हूँ जो कि आप अपने मोबाइल के जो कि कैमरे से जो अपने वीडियो को रिकॉर्ड करते हैं, तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में जो ऑफिशियल जो कैमरा एप्लीकेशन दिया होता है आपको इस एप्लीकेशन को यूज नहीं करना है, क्योंकि उसमें जितने भी यूट्यूबर अपने वीडियो को शूट करते हैं तो इस एप्लीकेशन का यूज नहीं करता है। और उसमें आपको कौन सा एप्लीकेशन यूज करना है वो भी बताऊंगा। दोस्तों इसमें जो कि बहुत से कमियां होते हैं, जो कि बहुत से जो कि यहाँ पे सेटिंग इसमें नहीं होता है, जैसे कि आप एक्सपोजर को लॉक करना चाहेंगे तो इसमें आपको नहीं मिलेगा, एक्सटर्नल माइक का सपोर्ट नहीं मिलता है, और भी ऐसे बहुत से सेटिंग जो कि इसमें नहीं दिए होते हैं। तो आपको क्या करना है, कौन सी एप्लीकेशन यूज करना है, आपको उसमें कौन सा सेटिंग करना है, मैं आपको चलिए बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको इस एप्लीकेशन को यूज नहीं करना है, आपको कौन सा एप्लीकेशन यूज करना है, तो आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है ओपन कैमरा, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि मैं जो कि डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये ओपन कैमरा एप्लीकेशन को डाउनलोड करना सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि मैं आपको यहाँ पे जूम करके दिखा देता हूँ। और इस ओपन कैमरा को डाउनलोड करने के बाद इसको ओपन करना है, इसमें आपको कुछ सेटिंग करना है, उसके बाद दोस्तों आपका बोया माइक जो कि आपके मोबाइल में सपोर्ट करेगा 100% आपका सपोर्ट करेगा। तो आपको कौन सा सेटिंग करना है, तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखते हैं, मैं ओपन कैमरा को जैसे ओपन करोगे तो आपको इसका इंटरफेस इस प्रकार का मिल जाएगा, जो कि आपका जो कैमरा मोबाइल का कैमरा है उससे अच्छा वीडियो आप इससे शूट कर सकते हो। तो आपको कैसे शूट करना है, तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखते हैं मेरा जो ये भी जो कि वीडियो शूट हो रहा है ये भी मेरा मोबाइल से ही हो रहा है। तो आपको ओपन कैमरा का सेटिंग में आपको क्या करना है, जो कि एक्सटर्नल माइक को यूज करने के लिए, तो सबसे पहले आपको ओपन कैमरा से जो कि आप एक प्रोफेशनल क्वालिटी का वीडियो भी निकाल सकते हैं इससे, तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले इसका सेटिंग को ओपन करना है, और सेटिंग में आपको कुछ यहाँ पर सेटिंग करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर मिलता है फेस डिटेक्शन, आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको इसको एनेबल करना है, आपको यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रकार से इसको एनेबल करना है, जो कि ये आपका ऑफ रहेगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे डायरेक्ट आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पे नीचे आना है वीडियो सेटिंग में, आप यहाँ पे देख सकते हैं वीडियो सेटिंग में क्लिक करना है, और आपको सबसे ऊपर आपको वीडियो रेजोल्यूशन अपने हिसाब से सेट कर लेना है, मैं सबसे हाईएस्ट में रखता हूँ, तो आप इस प्रकार से रख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर बैक करना है, और उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है जो कि देख सकते हैं वीडियो फॉर्मेट का, तो आपको वीडियो फॉर्मेट में आपको यहाँ पे डिफ़ॉल्ट रहने देना है, आप यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। और इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे आपका एक्सटर्नल माइक यूज करने के लिए आपको यहाँ पे मिलता है एक ऑप्शन, सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं रिकॉर्ड ऑडियो का, तो आपको इसको एनेबल करना है, और इसको एनेबल करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर मिलता है ऑडियो सोर्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो आपको इस ऑडियो सोर्स वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। और आप अगर दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं जो कि आपको सबसे ऊपर आपको इस पर टिकअप किया हुआ मिलेगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं इस पर टिकअप किया हुआ मिलेगा, तो आपको यहाँ पर एक सेटिंग मिल जाता है जो कि इस कैमरा एप्लीकेशन में एक्सटर्नल माइक का, आप यहाँ पे देख सकते हैं। दोस्तों ये सेटिंग जो कि पर्सनल जो कैमरा एप्लीकेशन होता है उसमें जो कि नहीं होता है, मोबाइल के डिफॉल्ट कैमरा में ये सेटिंग नहीं होता है, तो आपको यहाँ पे एक्सटर्नल माइक पर टिकअप कर देना है। और दोस्तों अगर इससे आप अगर नेक्स्ट लेवल का वीडियो अगर निकालना चाहते हैं तो आपको और एक सेटिंग कर देना है। आपको क्या करना है, इस प्रकार से आपको सबसे पहले अपना जो कि एक्सटर्नल माइक सपोर्ट कराने के लिए आपको बस यहाँ पे बस यही सेटिंग से आपका हो जाएगा, जो कि एक्सटर्नल माइक पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपका जो कि ऑडियो रिकॉर्ड भी होगा एक्सटर्नल माइक से, और पर्सनली मेरा ये वॉइस जो कि रिकॉर्ड हो रहा है। और दोस्तों अगर आपको नेक्स्ट लेवल का वीडियो अगर चाहिए इसमें तो आपको क्या करना है, तो आपको यहाँ पर सबसे पहले देखने को मिलता है, चलिए आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो इस प्रकार से जैसे अपना वीडियो को शूट करते होंगे अपने फ्रंट कैमरा से ही ज़्यादा लोग शूट करते हैं, तो उसके बाद दोस्तों आप जैसे अपने वीडियो को इस प्रकार से शूट करोगे तो आपका फेस को यहाँ पे डिटेक्ट तो कर ही लेगा। और उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे एक सेटिंग मिल जाता है जो कि आपका वीडियो नेक्स्ट लेवल का वीडियो निकलता है, जो कि एक्सपोजर लॉक करने का, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो सबसे पहले आप इस प्रकार से अपने हिसाब से जो कि अपना ब्राइटनेस को आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं, जो कि अगर आपका लाइटिंग कम है तो यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं।
और इसके बाद दोस्तों जब आपका वीडियो एडजस्ट हो जाए उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे एक्सपोजर लॉक का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रकार से अपना जो कि एक्सपोजर को लॉक कर सकते हैं। इससे क्या होगा दोस्तों, आपका लाइट कम ज़्यादा आपके वीडियो में नहीं होगा, जो कि बहुत से प्रॉब्लम होता है, लाइट कम ज़्यादा होते रहता है, तो ये प्रॉब्लम नहीं होगा इस एक्सपोजर लॉक से। तो बस इतना करने के बाद दोस्तों आप अपना वीडियो को यहाँ से शूट कर सकते हैं, प्रोफेशनल नेक्स्ट लेवल का वीडियो आपका इससे शूट होगा और आपका एक्सटर्नल माइक भी सपोर्ट करेगा। तो दोस्तों मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।